एक बार आई थी मैं आपके पास, रोती मिन्नतें करती, आपने किया था एहसास? बस मेरा बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मेरी शफ़क़त और मोहब्बत में। राय जुनून के आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि शबरेज के दिल में महर के लिए जो मोहब्बत और जुनून है, इस जुनून में आकर वो महर को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि महर का वालिद शबरेज की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। लेकिन शबरेज महर की शादी फाद से नहीं होने देता, लेकिन शबरेज ये नहीं जानता कि जबरदस्ती से वो महर को हासिल तो कर लेगा, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए महर के दिल से उतर जाएगा। मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है, लेकिन शबरेज किसी सूरत महर को खुद से अलग नहीं होने देना चाहता। महर के नज़दीक अब एक ही रास्ता होता है, या वो शबरेज से शादी कर ले, लेकिन ऐसा करने से वो हमेशा हमेशा के लिए अपने वालिद की शक्ल देखने से भी महरूम हो जाएगी, इसलिए वो अपने बाबा की बात मानती है। लेकिन शबरेज महर का जीना मुश्किल कर देता है, वो महर को मजबूर करता है, अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो तुम किसी और की भी नहीं हो सकती। शबरेज घर जाता है तो काफ़ी उदास होता है, क्योंकि शबरेज को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे, क्योंकि शबरेज की वजह से फाद और महर की शादी भी रुक जाती है।